असां जी देखा सी अग लगी हुई सी जिस्म नु। अच्छा ते जिस्म ते अग बलदी पई सी। अम्मा जी फोत हो गए सी? नहीं, माड़े माड़े सांस सासो साथ चलते पे सी। हाँ जी। मोहम्मद इकबाल और सुगरा बीबी ये दोनों बहन भाई हैं। पैदाइशी तौर पर गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, लेकिन इशारे के साथ घर में होने वाले जुल्म के हवाले से सारी दास्तान सुनाते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछें जी क्या हुआ था। आंदा है उराना आवे, क्या कह रहे? साड़ी अम्मी है तो उराना आवे उन पर ही ले जावे जे। किसको? साड़ी अम्मी नाल असी आईयां है ते बाप नाल असी आईयां है, उन पर ले जावे जे, उन उराना ले आवे जे। अम्मी अम्मी के साथ हम जी, मिले हैं जी। दूर ले जाओ बाप को जी। अच्छा अब अपनी बहन से पूछें किसने क्या देखा है। जी उन सरकार तुसी हाथ लावो दस। अच्छा पगड़ी, पगड़ी का जो इशारा है ये वो हाथ से करके बताती हैं कि मेरे बाप ने क्या किया मेरी माँ के साथ। कुंडी लगाई, माँ को घसीटा, कमरे में लेकर गए, बांधा और तीली लगा के आग लगा दी। अब हम उस कमरे की जानिब चलते हैं जहाँ पर जोहरा बीबी को आग लगाकर कत्ल किया गया। आवाजें देती देती मेरी मां मर गई। नहीं रहना बाप के साथ। फांसी दिलवानी है, फांसी दिलवानी है। अम्मा जी को जब आग लगाई हुई थी, हाँ जी, आपने देखा था सारा कुछ? हाँ जी। क्या देखा था? असां जी देखा सी आग लगी हुई सी जिस्म नु। अच्छा ते जिस्म ते आग बलदी पई सी। अम्मा जी फोत हो गए सी? नहीं, माड़े माड़े सांस सासो साथ चलते पए सी। हाँ जी। अच्छा फिर? फिर वो आग को बुझाई है। हाँ। मां नु मंजी ते पाया तो तनो सांस दे रही थी। अच्छा तो घर पे कौन कौन था उस टाइम? घर पे उदो बच्चे आण होंदे दोवें गूंगे। अच्छा ते एक ताया मेरा। अच्छा ते सारंग? हाँ जी। ते अपना अली मामा सी। अली मोहम्मद घर पे था? हाँ जी। जब आग लगी हुई थी? हाँ जी घर पे था। अच्छा अली मोहम्मद घर पर था? हाँ जी। जब आग लगी हुई थी? हाँ जी। देख रहा था खड़े होके? हाँ जी। बुझाई नहीं? नहीं जी, कोशिश करदे पए सी बाहर छिकण, जेडियां सोतां मंजियां नूं अग लगी है तो माई नूं। हाँ। बाहर कोशिश बड़ी करदे पए सी बाहर माई नूं, मतलब अग च बाहर कढ़न। अच्छा। हाँ जी। कौन कौन? मेरा ताया ते अली मामा। अच्छा। बाकी बच्चे बुच्चे रोला पा हाल हाल कोई पानी वाले बाजी कोई दे बाजी कोई दे बाजी। ठीक है, और कौन कौन था घर पे? बच्चे आनो दे दो। माई ने बताया नहीं कि मुझे किसने आग लगाई है? नहीं जी माई ने नहीं बताया। ठीक है, पॉइंट बड़ा अहम है कि घर पर मौजूद था अली मोहम्मद जिस टाइम अम्मा जी को आग लगी हुई थी। मुल्जिम क्या कहता है इस हवाले से, उससे बयान लेते हैं। ज्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि मुल्जिम ये कहता है कि मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था और मुझे किसी ने इत्तला दी थी तो मैं घर पर आया था। देखते हैं इस केस में अली मोहम्मद क्या कहता है। मुल्जिम अली मोहम्मद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, उम्र में 80 साल है। बिठाए इसलिए हैं कि ये खड़े होके प्रॉपर तरीके से बात करने के काबिल नहीं है।
ज़ईफ़ुल उम्र है। क्या हुआ कैसे हुआ ये हम सब इनसे जानते हैं। बाबा जी पूरा नाम अली मोहम्मद। हाँ जी। उम्र कितनी है मेरी? हाँ जी जी लुट्ठी तो अगे दाम है। 80 तो ज्यादा। हाँ खरे होने 80 एक थोड़ी ठीक हो गया। हाँ जी। बाबा जी कितने बच्चे हैं? दो हैं। दो बच्चे? हाँ दो हैं। दो बेटे ने? हाँ दो हैं। बेटियां कितनी है? त्रा है। तीन बेटियां हैं। अम्मा जी दी कितनी उम्र है? तुहाडे कोलो कितना छोटे ने? कोई 10-15 साल तो छोटे उस समय। ठीक हो गया। हाँ। यानी ऐसी कहने 65-70 साल। हाँ। इन्नी के ने? हाँ। से तबीयत ठीक सी होना दी? नहीं। की मसला सी? हाँ। बीमार रही है जी। बीमार रही? हाँ। की मसला की? हाँ आँख नेड़ी है ना उनकी। हाँ। ते मोड़ आई कमदी है जिमी आए माया इक्यारी मरण लाग पौंदी है। ते मोड़ा दे अभी ये था मरू है। अच्छा। हाँ मोड़ जाते हो शामनी डॉक्टर ले आवने तो वो ना आखना इन्हू मराज कहानी जिमें मुड़ किसी नु आवे उनके पुत्रा बड़े इलाज कीते आए मुड़ो साप दी उनकी लिखी इन्हें आए जिमें करके। बाबा जी की होया? हाँ जी। किन्ने मारिया? किसे ने? आग किन्ने लाई है? ना पुत्रा किसे ने? होया किसी? ना जी किसी। तुसी किथे सी उस टाइम? असि बाहर आए बाहर बैठा के बाहर बाहर ते तो बाहर आए। अच्छा करो बाहर सी तुसी? बाहर आए। अली मोहम्मद घर पे था? हाँ जी। जब आग लगी हुई थी? हाँ जी घर पे था। अच्छा अली मोहम्मद घर पर था? हाँ जी। जब आग लगी हुई थी? हाँ जी। ठीक है तो आनू किन्ने दसिया सी के ए काम हो गया? ओ इदे मुड़ो जेड़ी गूंगी तो गूंगा वो नहा लाल कीती। बेटा बेटी? हाँ। अच्छा जी। असा भाई ते आए भाई ये नानू की बने? अच्छा। अगां डिठा तो आग दे भांवट पे बैठ। ठीक है। ओ मम्मी ते ओ मेरा बिरा भी ते जेड़े मेरे बतरी ते बतरिया ने वो भी माए जा उंदी लत तू छिकया। अच्छा जी। जे से छिकया ने तो माए उनू आख्या भी बद्दी होई। हां ओ सारे बतरिए नु आख्या उस मुड़ो वाड़ते ते बाहर कटी। अच्छा जी। हां जी। रस्सी नाल बंधिया से रस्सी वाड़ते। अच्छा जी। ਉਹ ਮੁੜ ਜਿਸਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹੇ ਮਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੁ ਆਪੇ ਹੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੁ ਡੱਬੀ ਨਾਲ ਐਂ ਚਿੱਲੀ ਚ ਛਿੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਈ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਕਿਉਂ गाले च भी बड़ा वा फंदा डाला चार पाई के साथ भी बांधा। हाँ। मंजी नाल बनिया? हाँ, सी ना मंजी नाल। अच्छा मंजी नाल बनन तो बाद ओदे उत्ते रजाइयां सुटियां सी? उत्ते ओ रजाइयां या सुन रजाइयां सुटियां? हाँ। सी रजाइयां तो मड कोठे दी जी वेच पईयां आ ना कुन्नू लग्या पे अगे दाई। अच्छा जी। ते उत्ते तेल शेल भी छिड़किया सी? नहीं इस गल दा नहीं थिगड़ियां तो अगे पुत्रा तेल ए ता इत्थे आग होवे ता सारा मैं सड़ जा सा मिंट नहीं नहीं तेल शेल छिड़किया सी ना जी असा नहीं दित्ता नहीं तुसा नहीं दिता ओदे उते प्याज प्याज सी ना तेल ना पुत्रा कोई तेल नहीं पिया है। हां ना ई आ गल ई भाई ओ जड़ा नो साफ खुद कशी की वजह है 6 महीने पुत्रा बहन बिरा नेड़े ही ना आवे ते कोई गल नहीं बहुत से ऐसे घर हैं जहां पे बहन भाई ना, नहीं मिलते ना जी बड़ी हुंदी मुड़का ही दिल से आई सु ना आई ते भी कोई नहीं बाबा जी तुहाडियां बेटियां तुहानू नहीं मिलदियां की वजह है बेटियां पुत्रा हुण ओ ना पठियां होईयां ने ओ ना मेदियां नी इस भोई दी पार। अच्छा। हाँ। हिस्सा मांगदियां ने? हां जमीन हिस्सा मांगदी मैं उन्हां नूं आख्या मेरे कोल 10-15 मच्छियां भाई तुसी आ बाहर भी चालो ते आ मच्छी जिहड़ियां 4 हिस्से च कर सां ते ए तुसी दोवें हिस्से बिरा लै लै सन ते दोवें तुसी लै लै। ठीक है। ते जेहड़े आए ने ना ਇਹ ਬੋਏ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਹੱਥ ਜਾਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਸੋ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਦੀਆਂ ਮਰ ਖਾਪ ਗਈਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਉਜੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਣੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੋੜ ਆਏ ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੰਦ ਕੋ ਸਾਖ ਲਿਆ ਤਰਿਓ ਵਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਤੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜੰਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹਿੱਕ ਤੂੰ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਿੱਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆਪੇ ਲਾਈ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਸੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੀ ਪਿਆ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਬ ਪੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਚੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਕੀ ਕੀਆ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਮੇ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਆ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਂ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਆਇਓ ਭੋਏ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਏ ਹਾਈ ਕਾਇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭੋਏ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪੁਲਾਗ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱਠਾਈ ਜੋ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੋੜੋ ਰਖਾਈ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਚਾਰੀਆ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਵਕੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰੱਖੋ ਉਹ ਆਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਮਝ ਲੈ ਅਡੋਰਾ ਰੰਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਐਂਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਂਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਫੌਜਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਥਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੱਫਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਰਲੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਬੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਭੈੜੀ ਨਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ तल्लिका पुलिस ऑफिसर वाजिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं वाजिद साहब से अस्सलामु अलैकुम वाजिद साहब ये वकुआ कब का है ये मैडम 23/1/2023 मतलब 23 जनवरी का है उस दिन ये औरत को आग लगी है या लगाई गई है ये मतलब उस दिन फौत हो गई है तो इसके सारे अजीज़ो अकारब उधर आए हैं उसी दिन इन्होंने दफना दिया है हमें किसी भी सोर्स से इसकी कोई इतला नहीं मिली है ठीक है मतलब किसी भी 15 कॉल या किसी जो इररिलेटिव बंदा है उधर किसी ने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि इधर ऐसे कोई औरत जो जल के फौत हो गई है ठीक है तो उसके बाद फिर 25 को जो फौत होने वाली है जोरा भी मकतूला उसका जो है भाई सैद उसका नाम है वो आया थाने उसने एप्लीकेशन दी है 25 जनवरी को कि मेरी बहन इधर थी तो मतलब वो मर्डर हुई है खुद नहीं उसको आग लगाएगी तो मौका पर जो हमारे ऑफिसर आन सारे गए तो उन्होंने देखा है सारा सेटअप फिर उसने एप्लीकेशन दी उस पर FIR हुई 45/23 अंडर सेक्शन 302 वो FIR है वो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है उसमें जो है कब्र कुशाई का प्रोसेस है ठीक है कब्र कुशाई होगी उससे जो है जो भी मुतलका चीज़ें हैं वो मिलेंगी हमें उसके बाद
जो जिस वक्त इसको आग लगी है ना या लगाई गई है उस वक्त इसके पास नहीं, लगी तो है ही नहीं ना, चारपाई पे तो आग नहीं लग सकती जी, ना आग तो लगाई गई है जी, जी। अब वो मुलजिम की जानिब से लगाई गई है या ये ऑब्वियसली जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे पोस्टमार्टम होगा, कब्र कुशाई होगी तो मालूम होगा कि किसने आग लगाई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे का सारा वकुआ मौके पर जाके आपने देखा जी, क्या देखा उस वक्त? तो मतलब उधर वकुआ तो कुछ नहीं था, वो तो दफन हो चुके थे। हमने जो हमारे मुनीर साहब हैं इंस्पेक्टर आई हुए हैं तो वो मौका पर गए हैं, उन्होंने उधर से कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं, जैसे मतलब वो राख थी जो चारपाई है जिसके ऊपर वो लेटी हुई थी, वो चारपाई भी इधर हम थाना में लेके आए हैं। ठीक है। तो जिस वक्त ये इसके साथ हुआ है, इसको आग लगाई गई है, उस वक्त घर में जो मकतूला है ना उसका जो एक गूंगा बहरा बेटा है और एक गूंगी बहरी बेटी है वो दोनों ही मौजूद थे। तो उस हवाले से हम उसका जो पुलिस अभी बयान तो नहीं ले सकती, वो हमारे तफ्तीशी अफसर हैं वो लेंगे बयान थ्रू स्पेशल ट्रांसलेटर। ठीक है। वो लेटर लिखा जाएगा, मतलब वो प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद सही उनका जो बयान आना है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ज़ोरा बीबी की उम्र कितनी है अंदाजन? अंदाजन तकरीबन उसकी है 65-70 साल उम्र। 65 से 70 साल। एक पुरसरार सी बात है ना कि अम्मा जी की उम्र हम देखते हैं तो 70 साल तकरीबन, लगभग में भी 2-4 साल ऊपर नीचे हो, फिर अम्मा जी का किसी से दुश्मनी नहीं है जी जी। फिर अम्मा जी कोई जवान नहीं है कि मोहब्बत में उन्होंने खुदकुशी कर ली जी जी। फिर अम्मा जी की औलाद भी जवान है माशाल्लाह, आगे से नानी भी होंगी दादी भी होंगी जी जी। तो एक पुरसरार सी मौत है कि एक बूढ़ी औरत को क्यों कोई टांगों में रस्सी डाल के बांधेगा, क्यों कोई फंदा देगा, वजह क्या है? मियाँ भी बूढ़ा है, अम्मा जी भी बूढ़ी। ये तो मैडम अभी चल रहा है ना प्रोसेस, अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो अभी प्रोसेस पूरा होगा जो मैंने पहले बताया है, उसके बाद कोई जो क्ल्यू कहीं से मिलेगा तो फिर ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।